जैसे आपने लॉ किया, लॉ करने के बाद आपकी इच्छा हुई कि अब हम जज बन जाए, और स्वाभाविक होनी चाहिए। और टॉप पोस्ट के बारे में हमेशा ही हर विद्यार्थी को सोचना चाहिए, टॉप टू टॉप पोस्ट। तो जब हम मजिस्ट्रेट की सोच रहे हैं बनने की, अब जिस समय हमने सिक्स क्लास में पढ़े, सेवन्थ में पढ़े, एट्थ में पढ़े, नाइन्थ में पढ़े, टेंथ में पढ़े, और हमने बीए किया या एलएलबी किया, तब तक हमारी समझ उतनी परिपक्व नहीं थी। तो अब हम वहां तो जा नहीं सकते उनमें दोबारा करने के लिए। अब आपके सामने जो कॉम्पिटिशन आएगा वो उन विद्यार्थियों के साथ भी आएगा जो बहुत अच्छे एकेडमिक कैरियर से रहे हैं। तो यदि हम बहुत अच्छे एकेडमिक कैरियर से नहीं रहे हैं तो जो जो कमियां हमारे रह गई हैं, जैसे कोई मान लो बहुत अच्छे इंग्लिश एनवायरनमेंट में पढ़ा है तो उसे इंग्लिश अच्छी करनी नहीं है, उसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। जब पॉजिटिव पॉइंट इंग्लिश अच्छी नहीं करनी है, उसकी इंग्लिश ऑलरेडी अच्छी है, तो उसके लिए पॉजिटिव हो गया। दूसरा, उसका जो कॉलेज है लॉ कॉलेज बहुत अच्छी एनवायरनमेंट में हुआ और उसने बहुत अच्छे से पढ़ा, तो लॉ में भी उसे उतनी मेहनत नहीं करनी जितनी किसी नए को करनी है। तो हमें ये मान लेना चाहिए कि अब हमें थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अच्छा, एक साथ आप मेहनत ज्यादा नहीं कर सकते तो होगा क्या, समय थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए। इधर एक लड़की का फोटो लगा हुआ है लास्ट लास्ट में, आपने देखा होगा। वो लड़की शेड्यूल कास्ट में आती है, अर्थात कैटेगरी में आती है। शेड्यूल कास्ट का मतलब मेरा यही है कि वो कैटेगरी और रिजर्वेशन का लाभ है, उसमें लाभ है। मेरे यहीं पढ़ रही थी वो, लेकिन चूंकि एकेडमिक्स उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन वो कंटिन्यू लगी रही और इस बार सिलेक्शन हो गया उसका, कोचिंग छोड़ी नहीं उन्होंने। कोचिंग में दो दो तीन तीन बार पैसे भी जमा कराए, तो बस बैठे रहे वो कि भाई कोचिंग हो रहा है ना, कंटिन्यू रोज पूछ रहे हैं। तो परफेक्ट हो गई और उसका सिलेक्शन हो गया और अब अच्छी रैंक पर सिलेक्शन हुआ। तो ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं। तो सामान्य से सामान्य विद्यार्थी सेलेक्ट हो सकता है, उसे ये समझना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मेरा एकेडमिक कैरियर हल्के स्थान पर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है,